आपको दो तरह से मीडिया निकाय तरीके पढ़ाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। एक ऐसा आंकड़ा, एक ऐसा डाटा जिसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं रहता है, यानी कि डायरेक्ट रहता है, उसका आप मीडियन कैसे निकालेंगे, और एक क्लास इंटरवल के साथ रहता है उसका मीडियन आप कैसे निकालेंगे। तो एक एक करके हम करते हैं, सीखते हैं, ध्यान देंगे। आपको माध्यमिक निकालने का कई ट्रिक है, लेकिन हम यहाँ पर दो ट्रिक बात करेंगे और एग्जाम में भी आपको दो ट्रिक पूछा जाता है, ठीक है। पहला ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए। मानिए कोई आपको आंकड़ा दे दिया, मानिए कि आपको कोई डाटा दे दिया, जैसे लिख दिया कि 2, 3, 5, 7, 11, 6, 9, 13 का माध्यक निकालें, मीडियन इसको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे दिया, इधर दिख रहा है जी, ओके। माध्यक निकालने को बोल रहा है, ठीक है। माध्यक आपको निकालने का बोला है कि 2, 3, 5, 7, 11, 6, 9, 13 का क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। अब इसमें देखिए क्या है, अब तो यहाँ पर कोई अंतराल नहीं है, कोई क्लास इंटरवल नहीं, कोई वर्ग अंतराल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन का माध्यक कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूला होता है, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। तो सबसे पहले बनाने से पहले आपको क्या करना है, जो भी आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, ठीक है। आरोही क्रम में क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम मतलब कि सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, 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 उससे बड़ा, उससे बड़ा, सजा दिए। जो भी डाटा दिया रहेगा उसको आप आरोही क्रम में सजा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गिनेंगे कि एक आंकड़ा में कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ को संख्या है। अब आठ जो है इवेन नंबर है कि ऑड नंबर, सम संख्या है कि विषम संख्या, तो क्या है, इवेन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या देखिए यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 8, जो क्या है, सम संख्या है, इवेन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। अब जब सम संख्या है तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, जब सम संख्या हो तब माध्यक का फॉर्मूला कुछ और होता है, और विषम संख्या होता है तो कुछ और होता है। फॉर्मूला क्या है, n बटा 2वा पद प्लस n प्लस 2 बटा 2वा पद बटा 2, ठीक है, n बटा 2वा पद प्लस n प्लस 2 बाय 2वा टर्म्स बटा 2। अब n का मतलब 8 आ गया है, तो यहां पर लिखेंगे 8 बटा 2वा पद प्लस 8 प्लस 2 बटा 2 पद बटा 2। अब देखिए 8 का 2 से 8 को कट जाएगा ना, यहां पर क्या आएगा, चौथा पद प्लस 8 2 10, 10 बटा 2 होगा, 8 2 10, 10 बटा 2 क्या आ गया, पांचवा पद और बटा 2 चौथा पद। अब देखिए चौथा पद लेंगे कहां से, अरे बच्चा चौथा पद कहां से लेंगे, तो चौथा पद आपको 1, 2, 3, 4, ठीक है, चौथा पद 1, 2, 3, 4 मंगवाए सरण कर दो, चौथा पद आपको यहां से हो गया 1, 2, 3, 4, चौथा पद क्या है, 6 है, यहां पर लगा 6 प्लस पांचवा पद कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 7 है, बटा कितना है, 2, तो 7 और 6 कितना होता है, 13, और 13 बटा 2 का मतलब होता है 6.5, कितना गया 6.5। तो जब सम संख्या मतलब आंकड़ा में जब सम संख्या आएगा तो उसका माध्यक आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला आप याद रख लिए, पहले आपको आरोही क्रम में सजाना है, उसके बाद से क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, जब सम संख्या हो तब, ठीक है, सम संख्या हो तब फॉर्मूला लगाना है, एन बटा 2वा पद प्लस एन प्लस 2 बटा 2वा पद बटा 2, और जो जो जैसे मैंने बताया वैसे आप बना सकते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या विषम संख्या, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर कोई संख्या आंकड़ा में विषम आ जाए
तब कैसे बनेंगे। ये मतलब कि ऐसे डाटा है जिनका वर्ग अंतराल नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, तो आपको ऐसे बना है। और ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा आता है, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन रहता है और ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है माध्यक निकाले। ठीक है, देखिए दूसरा तरह क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिए 5, 7, 4, 3, 11, 13, 15। ठीक है, इनका माध्य निकाले। देखिए माध्य नहीं, माध्यिका निकाले, माध्यिका कहे या मीडियन कहे, बात क्या एक के है, माध्यक कहे बात क्या एक के है। अब ऐसे डाटा दे दिया है, अब कह रहा है कि इनका आप माध्यिका निकालिए, मीडियन निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या बताया मैंने, बनाने से पहले क्या करा जाता है, आरोही क्रम में सजाया जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम में सजाने पर बनाओ तुम लोग भी, आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या होता है, सबसे पहले कम होता है, तो कम कौन है, 3 है, उससे ज्यादा 4 है, उससे ज्यादा 5 है, उससे ज्यादा 7 है, उससे ज्यादा 11 है, उससे ज्यादा 13 है, उससे ज्यादा 15 है। आरोही क्रम में सज गया, सजने के बाद गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और वो संख्या है तो 7 गो संख्या है, संख्या कितना है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 क्या है, सम है कि विषम, विषम है। यहाँ पे देखेंगे n बराबर 7 जो विषम है, क्या है, विषम संख्या है, n बराबर 7 जो विषम संख्या है। तो माध्यक क्या होगा, तो विषम संख्या के लिए माध्यक के फॉर्मूला होता है, जब विषम आ जाए तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 व पद, n प्लस 1 बाई 2 व पद, n का मान 7, 7 प्लस 1 बट्टा 2 व पद, ये हो जाएगा 7, 8 बट्टा 2 व पद, और 8 बट्टा 2 को काट देंगे तो चौथा पद आएगा। ठीक है, और चौथा पद देखिए इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4 कितना आ जाएगा 7, इसका माध्यक कितना आ जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। और एक और ट्रिक है, अगर आपको माध्यक अगर विषम संख्या है ना, तो सजा कर सबसे बीच वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपको गिनने पर विषम संख्या आए और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, तो विषम संख्या आने पर सबसे बीच वाला आंसर हमेशा होता है, मतलब कि बीच वाला मतलब सिर्फ बीच, जैसे कि सम संख्या में 2 को बीच आ जाता है, ये विषम संख्या में 1 को बीच आता है, जैसे कि 3 को इधर, 3 को इधर, 1 बच गया, तो जो बीच वाला होगा वही आंसर हमेशा आता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ये रहा क्या, ये रहा आपको बिना वर्ग अंतराल का, ठीक है, बिना वर्ग अंतराल का माध्यक निकालने का शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपको कि वर्ग अंतराल दे दिया हो तब उसका आप माध्यक कैसे निकालेंगे। ठीक है,